हेलो फ्रेंड्स, एडुकेटिव विकास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 का एक नया सीवी एडिटिंग सिखाऊंगा एंड इसके अंदर आपको बैकग्राउंड्स वगैरह और जो जो मटेरियल इसमें जरूरत होगा सारे कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। चले सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पे ही चले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कैसे कैसे सारा कुछ चीज़ें करना होगा एंड क्या क्या चीज़ें करना होगा वो आपको समझाता हूँ। सो सिंपली देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से देखो मेन फोटो ओपन कर चुका हूँ। ये वाला बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड साथ में ये का आपका ओवरले होगा, ये ओवरले भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड साथ में ये सनफ्लेक है, ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये मेन फोटो आपका ही होगा, आप किसी भी पोज पे फोटोशूट कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही जो है इसका बैकग्राउंड से अलग करना होगा मेन सब्जेक्ट को, तो उसके लिए ऑटोमेटेड टूल है। अगर आप फोटोशॉप का 7.0 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको पॉलीगोनल लासो टूल या आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो उसको सिलेक्शंस बनाने के लिए, उसके बाद उसको मास्क करना होता है। बट ये वाला सीसी वर्जन है इसलिए मैं डायरेक्टली सिलेक्ट पे जाके सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, अगर आपको वो पीसी का स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा कम है तो आप फोटोशॉप का सीसी वर्जन जो 2015 वाला वर्जन वो आप यूज़ कर लो, सेम फीचर्स आपको मिल जाएगा। बेसिकली मैं इधर से देखो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर चुका हूँ, अभी क्या करना है यहाँ से मास्क आइकन मिलेगा, मास्क के ऊपर एक बार क्लिक करूँगा और ये देखो मेरा मास्किंग कंप्लीट है, नॉर्मली पीएनजी बन चुका है। अभी इसको बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ से देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको प्लेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे इस केस में मैंने ऐसे प्लेसमेंट कर लिया, प्लेसमेंट के बाद ये जो फोटो है ना इसका जो सब्जेक्ट ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मास्क है राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क करो ताकि ये परफेक्ट पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए एंड आपको जाना पड़ेगा फिल्टर पे एंड यहाँ से लेना पड़ेगा कैमरा रॉ फिल्टर। देखो कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर कुछ काम आपको करना होगा, पहला काम आपका क्या होगा, पहला काम आप इसमें थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह डालो। तो उसके लिए क्या करना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा, टेक्सचर को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ये इंक्रीज करने के बाद थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस केस में आपको शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, साथ में नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन, इन दोनों चीज़ों को इंक्रीज करने के बाद आप बेसिकली चले जाओ कलर का। अगर काम करना है तो कलर मिक्सर के अंदर जाओ एंड कलर मिक्सर के अंदर क्या करना होगा, आपको यहाँ से रेड कलर थोड़ा सा मेरे इस केस में इंक्रीज कर रहा हूँ, आप यहाँ से और भी कुछ कलर्स का चेंजेस जैसे कर लो, ऑरेंज कलर को थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन करके लुमिनेंस हाई कर लो। देखो मेरे इस केस में मैं ये सारा कुछ कलर बहुत ही बॉडी बढ़िया तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, येलो कलर मेरे को इधर से चाहिए नहीं है तो पूरा पूरी जीरो यहाँ से मैंने डाल दिया, यहाँ से ग्रीन भी मेरे को चाहिए नहीं है, तो बाकी सारा कलर जो जो कलर सब मेरे को चाहिए तो वो मैं इधर से थोड़ा सा इस तरह से सैचुरेशन इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने पर्पल कलर को भी चूज़ कर लिया, पर्पल का भी कलर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से मैंने इंक्रीज कर लिया, साथ में लास्ट में ऑरेंज कलर मैजेंटा कलर्स भी यहाँ से बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ से इन्हांस कर लिया एंड लास्ट में ये देखो ये कलर्स को मैं थोड़ा सा ही यहाँ से इन्हांस करने वाला हूँ, ऐसा हो गया। अभी कैलिब्रेशन के अंदर जाके बाकी यहाँ से देखो कुछ ऐसे करके मैं यहाँ से मेरे इस केस में डाल रहा हूँ, आप भी बहुत ही बढ़िया तरीके से डाल देना। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स लग रहा हो तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रेड थोड़ा सा कम करना हो सकता है, साथ में यहाँ से आपको देखो ऑरेंज कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना हो सकता है। देखो मेरे इस केस में कुछ ऐसा लग रहा है, मैं सिंपली करता हूँ ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया हद तक एक बढ़िया फोटो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ऐसा जब आपका हो जाएगा दोबारा से कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट लेयर बनाना, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना एंड कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर मैं जाऊँगा कर्व के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा कर्व डालूंगा ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए स्किन वगैरह एंड बेसिक के अंदर जाके मैं यहाँ से थोड़ा सा शैडो डालूंगा एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन करूंगा, एक्सपोजर थोड़ा सा कम होगा एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा मेरे इस फोटो के हिसाब से मैं यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर रहा हूँ। अब आपको पहले आपके फोटो को नज़र देना है, अगर आपके फोटो पे ये सारा अमाउंट चाहिए होगा तो आप बहुत ही बढ़िया हद तक यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सारा कुछ डालना, जैसे मेरे इस केस में शार्पनिंग में थोड़ा सा डाल रहा हूँ, नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन, ये सारा कुछ ऐसे ऐसे अमाउंट्स में मैंने डाल दिया। अब कलर मिक्सर के अंदर जाके वही सेम प्रोसेस थोड़ा सा और एक बार दोहरा लेता हूँ ताकि परफेक्ट रिजल्ट जो है वो मेरे इस केस में आ जाए। देखो मैं इस केस में यहाँ से थोड़ा सा लाइटनेस ऐड किया, थोड़ा सा सैचुरेशन हो सके तो आप अपने हिसाब से डाल देना एंड इतना सारा चीज़ें होने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा रेड का सैचुरेशन यहाँ से इंक्रीज करता हूँ एंड मैं सिंपली करता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद ये देखो अप्लाई हो चुका है, बट ये अप्लाई हो जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ से ओवरले को डालूंगा, तो देखो ओवरले को ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपना बैकग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर मैं एडिट कर रहा हूँ एंड ये ओवरले आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। लास्ट में बात करूँ तो लाइट फ्लेक डालूंगा ये वाला बैकग्राउंड के ऊपर सबसे ऊपर वाला लेयर में, बट इसमें क्या करूँगा थोड़ा सा इमेज का साइज ज़्यादा होगा एंड डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना।
जब आप इसका लेयर को स्क्रीन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा आपको बड़ा रखना है, ठीक है। तो मेरे इस केस में मैं यहाँ से प्लेसमेंट कर रहा हूँ, बट इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज कलर है, तो इसलिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाके हुई सैचुरेशन लिया। एंड ये क्लिपिंग मास्क पे आपको क्लिक करना है तो वो लेयर के ऊपर मास्क बन जाएगा, सैचुरेशन को पूरा डाउन कर दो तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा ना सबसे बेहतर रिजल्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसका स्किन का काम करूँ तो यहाँ से मैं स्मार्जिंग टूल यूज कर सकता हूँ थोड़ा सा स्किन का काम और भी स्मूथ बनाने के लिए। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ज कर लेता हूँ। ये वाला स्मार्ज ब्रश तो मेरे हर एक वीडियो में मिल जाता है, तो आपको ये वाला ब्रश अगर मिला नहीं है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मेरा पहला वीडियो देखो, इसके पिछला वीडियो में मैं ये वाला ब्रश को प्रोवाइड किया हूँ, तो उस वीडियो से आपको ये ब्रश मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले स्किन को ब्रश कर लेता हूँ। तो मेरे इस केस में देख सकते हो मैंने अप्लाई भी कर लिया और बहुत ही हद तक यहाँ से बढ़िया बन चुका है। अब सारे लेयर को चलिए क्या करता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। उससे पहले आप बैकग्राउंड को कंट्रोल जे दबाते हुए एक डुप्लीकेट लेयर बना लो। सारे लेयर को शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी दबाया ग्रुप बनाया, कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट ग्रुप एंड कंट्रोल ई दबाते हुए मर्ज बनाया। और उसके बाद क्रॉप टूल को दो बार एंटर किया तो ये मेरा क्रॉप बन चुका है। अब यही लेयर के ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया तो कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हुआ। यहाँ से थोड़ी सी ब्लू को ऐसे इंक्रीज कर लेता हूँ एंड डिटेल के अंदर जाके आप भी काम कर सकते हो, बट कार्ब के अंदर मैं थोड़ा सा लाइट ऐड किया एंड मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। कैलिब्रेशन के अंदर थोड़ा सा यहाँ से ये कलर्स वगैरह थोड़ा सा इन्हांस कर दूंगा, बट इसमें येलो इस कलर्स मेरे को नहीं चाहिए। एंड मैं एक लास्ट में एक और एक चीज़ करना चाहता हूँ, जो कि कलर ग्रेडिंग के अंदर जाके थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर ग्रेडिंग इसमें डालने वाला हूँ। एंड ब्लूइश कलर ग्रेडिंग इफेक्ट ऐसे अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा मैं विग्नेट मोड डालूंगा, तो उसके लिए इफेक्ट पे जाऊंगा और विग्नेट मोड को नियर अबाउट -20 ऐसे डालने के बाद मैं करता हूँ ओके एंड मेरा फोटो क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं ये पहली वाली फोटो के अंदर जाऊँ और डिजिबल लेयर मास्क करूँ तो पहले से फोटो देखो ऐसे चेंजेस आ चुका है। तो आशा करता हूँ ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वाला सीवी एडिटिंग आपको बहुत ही हद तक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से एडिटिंग के साथ, ना कुछ ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।